अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तहरीम सैयद तहरीम वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद कहती है। फ्रेंड, आज मैं एक बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ हूँ और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी पहचान। ये है मेरे साथ सरदार यासिर इलियास, फॉर्मर प्रेजिडेंट ICCI, CEO सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज और प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी, तो आज हम इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। ऐसा कि मैंने अभी इतनी लंबी लिस्ट आपकी सुनाई है सब अपने फ्रेंड्स को, ये इतनी मंजिलें तय करते करते आप ये मुझे बताएं कि क्या था इसके पीछे? क्या कोई आपका ब्रॉटअप ऐसा हुआ, कोई ऐसा पैशन था या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर था, जी सरदारों कुछ नहीं बहुत कुछ करके दिखाना है? आई थिंक इसकी बेसिक जो मेन मैं समझाऊँ कि एक माइंड सेट था, वो था लीविंग ए लेगेसी। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ चेंज लेके आए अपनी ज़िंदगी में और उस चेंज से किसी को फ़ायदा पहुँचा के फिर हम जाएँ। वरना एक सिंपल उसूल है ज़िंदगी का कि हर कोई अपने लिए जी लेता है। अगर आप दूसरों के लिए जी सकें, दूसरों के लिए कुछ कर सकें, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए आपका। अचीवमेंट्स आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़िंदगी को मेजर आप कर लें इस नज़रिए से कि आपके चार कतरे अगर आप ले लें समंदर के, वो आपकी ज़िंदगी है, और जो बकाया समंदर है वो आपकी आखिरत है। तो आप चार कतरों के लिए जिएंगे तो कैसे जिएंगे, और आखिरत के लिए प्लानिंग करेंगे जो कि एक समंदर के हिसाब से देखेंगे कितना क्वांटम है उसका स्केल के लिहाज से। तो इस कम टाइम में जो चार कतरे हैं हम उसकी बात करते हैं, तो उसमें आप फेजेस अपने बना लें कि आपके पहले 20 साल हैं, फिर आप 40 तक जाते हैं, 40s के बाद 60s में आप जाते हैं, तो आपकी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ होती हैं उन स्टेजेस पे। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, और मैक्रो पर्सपेक्टिव आप देखें कि आप ओवरऑल नेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, और फिर ग्लोबली अगर उसका इम्पैक्ट ला सकते हैं तो आप लाएँ। तो मैंने अपनी उम्र में काफ़ी चीज़ें पहले की हैं। मैंने बिज़नेस भी बहुत पहले स्टार्ट किया था, अपनी MBA भी मैंने बहुत कम टाइम में किया था। मैं 22 का था जब मैंने अपना MBA किया था, जबकि कन्वेंशनली लोग MBA 30s में जाके करते हैं। उसकी अच्छी रिक्वायरमेंट भी है, उसकी रीज़न भी है कि आपके पास कम से कम एडिक्वेट फुल टाइम एक्सपीरियंस हो। मैं समझ रहा था मेरे पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस है, जिसकी बुनियाद पर मैंने UK में जाके MBA भी अपना कर लिया, और कम टाइम में अचीवमेंट्स जितनी मैं हासिल कर सकता था अभी भी कोशिश बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये मैं समझूं कि बड़ी प्लानिंग के साथ आपने एजुकेशन भी स्टार्ट की, फिर बिजनेस भी स्टार्ट किया, और बड़ी प्लानिंग के साथ आप मतलब मूव ऑन बस चलते जा रहे हैं। लेकिन इसमें मेरे वालदैन का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि अगर वालदैन की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग ना हो तो आप मिसगाइड भी हो सकते हैं, आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, गलत करियर पाथ भी ले सकते हैं। तो आप अपने सर्कल में सबसे पहले तो जो पीयर्स हैं आपके वो अच्छे रखें, कि आपके दोस्त यार वो हों जो आपको अच्छा मशवरा, अच्छी नसीहत करें आपको। साथ आपके वालदैन जिनकी ब्लेसिंग शामिल है, अगर उनकी रजामंदी होगी या उनकी गाइडेंस होगी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो उसमें वैसे ही अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होगी, वो काम आप बेहतर कर सकेंगे, उसमें कामयाबी आपकी ज़्यादा होगी। तो मेरी वो दोनों अप्रोचेस इत्तेफाक से कुदरती अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, और वालदैन की मैं हमेशा सुनता भी था। मैं ज़िद भी बहुत करता हूँ, मेरी अपनी जैसे मुझे कुछ शौक हैं, कुछ ख़तरनाक शौक हैं, तो मैं ज़िद भी करता हूँ। खतरनाक शौक ये डरा दिया आपने, ज़रा खतरनाक में से कोई एक बता दें, कौन सा खतरे वाला शौक? फ्लाइंग का बहुत शौक है मुझे, वेरी अमेजिंग। पैर शूटिंग का शौक है, जिसको हम पैर जंपिंग भी कहते हैं। साथ मुझे बाइक्स का, हैवी बाइक्स का शौक है, स्पीडिंग, कोई फास्ट गाड़ी हो या रेसिंग का हो तो वो शौक है। लेकिन मैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा सबको, कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप लोगों ने कभी मुझे पाकिस्तान में रेस करते हुए नहीं देखा होगा, ना मैं करता हूँ। आप किसी Formula 1 ट्रैक पे हो, किसी ऑटोड्रोम में हो, तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो डिज़ाइन एनवायरनमेंट है। आपका कहने का मतलब सारे शौक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको अगर लिमिट्स में किया जाए, आप स्टोरी देखें, आप अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिविटी लेकर किया जाए। एग्जांपल ले लेंगे, जो आपके ड्राइवर्स हैं Formula 1 पे, आप कभी उनको माइकल शूमाकर को आपने रेस करते हुए नहीं देखा होगा, या हमारे लुइस हैमिल्टन हैं उनको कभी आपने रेस करते हुए नहीं देखा होगा, या मिस यूज़ नहीं करते होंगे अपने पावर को। सिमिलरली जो हमारे जो यू नो वैलेंटिनो रॉसी हैं, जो कि हैवी बाइक एक चैंपियन है वर्ल्ड के, वो कभी हैवी बाइक से आप देखेंगे कि रोड पर नहीं रेस करेंगे। सो यू नो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करनी है, और जो ज़िंदगी है ये आपके लिए एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से, आपने इसको ज़ाया नहीं करना है। सिंपल अप्रोच आपकी लाइफ की होनी चाहिए। जी अच्छा, ये बताएं यासिर साहब कि चमकते तारे आसमान पर, ये जो आपने सेंटोरस जैसा टावर इस्लामाबाद, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतना बड़ा मज़ेदार टावर, यहाँ पर क्या नहीं है इन्जॉयमेंट के लिए, ये क्या इसके पीछे क्या सोच थी? आपकी फैमिली थी या क्या आपका पैशन था? लेकिन ये बहुत ही एक यूनिक आपने टावर, जिसे कहते हैं ना, एक एग्जांपल बना दिया पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, इसके पीछे क्या आपकी सोच? उसके पीछे हमारी जो फैमिली की विजन थी कि एक वैल्यू एड हमने करनी है इस मुल्क में। आपने ख़ुद ही सही बयान किया कि तारों की एक रिफ्लेक्शन हमने दुनिया पर क्रिएट करनी थी।
पाकिस्तान वैसे भी बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है हर लिहाज से, लेकिन डेवलपमेंट के साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं थी। अगर मिक्स यूज़ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बेसिक अगर हम रिक्वायरमेंट्स पे आएँ तो कोई शॉपिंग मॉल उस तरह का नहीं था, सिनेमाज यहाँ पे नहीं थे, आपके पास होटल नहीं था, कमर्शियल एवेन्यू उस तरह का नहीं था, स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट्स जो हम वर्टिकल लिविंग की तरफ आज जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि एग्रो की जो ज़मीन है उसको तबाह ना करें, बीइंग इन एग्रो कंट्री हम पैदावार की तरफ जाएँ। तो उस वक्त हम ये चाहते थे कि हम सारे सेगमेंट्स को एक जगह पर लेके आएँ, तो इस स्केल का प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने उस वक्त कंसीव किया इन कलेबरेशन विद सीडीए, क्योंकि सीडीए ने जब ऑक्शन किया था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मिक्स यूज़ हो, तो मिक्स यूज़ हमने डिज़ाइन इस बुनियाद पर किया था कि उसमें सारे कंपोनेंट सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाए। तो आज आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 6 महीने में हम एक 5-star होटल खोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑफिस ब्लॉक भी है, संतोष मॉल में आपने सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, लोगों की ब्रांड्स सारे यहाँ मौजूद हैं, इंटरनेशनल लोकल ब्रांड्स हैं, फूड के लिहाज से जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फन सिटी एंटरटेनमेंट एरिया हमने बनाया हुआ है बच्चों के लिए, तो साथ ही सिनेमाज आपके पास हैं, सो ऑल अंडर वन रूफ बैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शहर में आपने एक नई लाइफ लाई है, जो लोग पहले 8-9 बजे घर जाते थे, हमने ट्रेंड चेंज किया कि अब यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स 11-12 बजे तक ऑपरेट करती हैं, सिनेमाज लेट नाइट ऑपरेट करती हैं, तो लोगों के पास एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन आपने दे दी, तो एक पूरी डायनामिक्स आपने एक शहर की चेंज कर दी है। फिर नए ब्रांड्स आए तो नए एवेन्यूज क्रिएट हुए रिटेल के, एंड अगेन बीइंग अ फेडरल कैपिटल जितना यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म है उनके लिए आपने एक लोकेशन दे दी, दिस इज़ अ गो टू डेस्टिनेशन, इससे टूरिज्म भी आपको प्रमोट हो रहा है, साथ साथ जो फॉरनर्स आते हैं उनके लिए एक इमेज बिल्डिंग के लिहाज से तो आप बता सकते हैं कि ये भी आप स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है और इस तरह का काम पाकिस्तान में किया जा सकता है और कर भी रहे हैं लोग। सो आई थिंक ओवरऑल दिस प्रोजेक्ट हैज चेंज द इमेज ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अच्छा ये मुझे बताएं, मैंने देखा है कि आप पॉलिटिशियन, उसमें ही बड़ा आपका इंटरेस्ट शो होता है, तो अगर आपको मैं कहूँ कि बिजनेस और पॉलिटिक्स, तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे? देखिए सियासत की अगर मीनिंग हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसकी मीनिंग है वेलफेयर, तो हम अगर बिजनेस में भी देखें तो हम भी वेलफेयर करते हैं सीएसआर की बुनियाद पे, सियासत में आके आप पॉलिसी में काफ़ी लॉबिंग कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि चेंज और तब्दीली लाने के लिए आपको चेंज का हिस्सा बनना पड़ेगा, इसलिए लोगों की ख्वाहिश होती है कि सियासत में आए, नॉट एवरीबडी, क्योंकि कुछ लोग सियासत में किसी और वजूहत के लिए आते हैं, कुछ फेम के लिए आते हैं, कुछ टाइटल्स के लिए आते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आपने सियासत करनी है तो आप लोगों की और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करें सियासत, तो वो एक इंटेंशन हमारी है कि हम अगर किसी भी लिहाज से पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं अपने मुल्क में, चाहे बिजनेस की हद से हदूद के अंदर जाके आप चाहे सियासत में आके करें, यू मस्ट डू इट ईदर वे, बिकॉज उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा सर ये मतलब बताइए, अच्छा सर कि हमारी जो यूथ है ना, हमारा जो हमारी जनरेशन है वो बड़ी डिसअपॉइंट हो गई है पाकिस्तान और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ से, और उनको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा कि वो अपने टैलेंट को यहाँ पे शो कर सकें, उसको इन्हेंस कर सकें, इसके लिए आप लोग कोई वर्किंग करते हैं? आप इतने माशाल्लाह यू आर वन ऑफ पाकिस्तान बिलीनियर, सो यूथ के लिए क्या चाहते हैं आप? हम कहते हैं हमारी यूथ को कोई ऐसी एक्टिविटी मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी जो उसकी उसका टैलेंट है वो उसको ना सिर्फ निखार सके, वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी उनका बन सके, तो आप उसके लिए क्या आप समझते हैं कि क्या करना चाहिए, सारी बिजनेस कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? हम इस पर बहुत प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं, जितने हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ, जिसमें आपके वेल नोन नाम यहाँ पे नस्ट है, नमल है, कॉमसैट्स है, बहरी यूनिवर्सिटी और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, उनके साथ सबसे पहले एकेडमी और इंडस्ट्री लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, ताकि जो आपके यूथ है, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो जब डिग्री लेकर निकले हैं तो वो जॉब्स ना ढूंढें, डिग्री इस लेवल की हो और इस फील्ड में हो कि जॉब्स उनके पास आएँ, लोग खुद बहुत उनको कहेंगे हमें इस ट्रेड के बच्चे चाहिए, तो हम चाहते हैं कि स्किल बेस्ड डेवलपमेंट हो हमारे पास, जनरल एमए जनरल मार्केटिंग का फ़ायदा कोई नहीं है, आज आप देखेंगे आपके डॉक्टर्स की डिमांड है, इंजीनियर्स मैकेनिकल सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्ट अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट है। मैं आज भी बात कर रहा था कि हमने आज तक यू नो फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, लोकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्रीज ड्रेविटिवस कमोडिटीज़ उस ट्रेडिंग पे हम अभी काम नहीं करें, तो उस पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमें बनाना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ आ रहा है, यहाँ नए होटल्स खुल रहे हैं, नए यहाँ पे इंशाल्लाह और भी वेंचर्स होंगे रेस्टोरेंट्स के अलावा और बहुत सारे वेंचर्स होंगे हॉस्पिटैलिटी के, तो हम उन सेगमेंट्स में फोकस करें क्योंकि ये वो ट्रेड्स हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी ये बच्चे जब इन डिग्रीज के साथ जाएंगे तो उनको जॉब्स बाहर भी मिल सकती हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो यूरोप हो। उसी के साथ हम कोशिश करते हैं कि जो एसएमई सेक्टर है पाकिस्तान का उसको प्रमोट करें, लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट के साथ इस पर बहुत लॉबिंग की थी, मौजूदा 4.1 मिलियन आपके पास एसएमईज पाकिस्तान में है, लेकिन जो एसएमईज के लिए फाइनेंसिंग है, जो स्टार्टअप कॉस्ट है, वो बैंक फैसिलिटेट नहीं कर रहे, अगर बैंक 18 से 19% पे फाइनेंस करेगा तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले बंद हो जाएगा,
हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो साहिब हैसियत लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके साथ जितने आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको अटैच कर दें, ताकि अगर आपके कोई यू नो बिज़नेस कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें से अगर टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 5 भी अगर कमर्शलाइज हो सकते हैं, हम अगर उनको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बिजनेस में, हम उनका एक शेयर बाय कर लेंगे, चाहे 2% शेयर हो, 20% शेयर हो, हम उनके साथ ग्रो करेंगे और वो हमारे साथ ग्रो करेंगे, हम उनको वो बेनिफिट दे सकते हैं जो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा। हमें पता है कि हमने पॉलिसी पे कैसे काम करना है, डिपार्टमेंट्स पे हमने कैसे जाकर डील करना है, और साथ साथ मार्केट को प्रमोट कैसे करना है। नेटवर्किंग के थ्रू उनका बिजनेस एम्पलीफाई हो जाएगा अगर हम उनके स्टेक होल्डर्स बन जाएँ, तो इसके साथ उनको एंजल इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे और साथ एक शेयर भी मिल जाएगा उस इंसान का जिसके ऑलरेडी नेटवर्क है, पाकिस्तान में एक प्रेजेंस है। तो हम उन सेक्टर्स पर आ रहे हैं कि बजाय हम हुकूमत पर डिपेंड करें, बजाय बैंक्स पर डिपेंड करें, हम प्राइवेट सेक्टर को उनके साथ अटैच कर रहे हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। सोफिया चल रही है जिंदगी में, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करते हैं, फैमिली के साथ क्या एक्टिविटी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं अपनी आवाम को, अपने यूथ को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को देना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा प्रायोरिटाइज करें अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को। इससे ज़्यादा अहम कोई रिश्ता नहीं आपकी ज़िंदगी में, खास करके वालदैन का, बहन भाई का और दोस्तों का। आप समझें कि ब्लेसिंग है आपके लिए अगर आपके पास ये नेमतें मौजूद हैं दुनिया में। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें आती जाती हैं, काम भी होते रहते हैं आपके, यू नो पैसा आएगा जाएगा, लेकिन जो आपका ये वक्त है ये वक्त रिपीट नहीं होने वाला है। तो अगर आपकी औलाद है, औलाद जब एक बार बड़ी होगी तो वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो ये जो आपके मौके हैं, जो मोमेंट्स हैं, इन मोमेंट्स को इन्जॉय करें, वरना अगर दौलत के पीछे आप भागते रहेंगे दौलत तो कभी भी काफ़ी नहीं होगी आपके लिए। आप कहेंगे आज मेरे पास घर है, कल मेरे पास बिल्डिंग हो, आप कहेंगे मेरे पास आज कार है, कल लैंड क्रूजर हो, फिर आप कहेंगे मेरे पास हवाई जहाज़ हो। तो ख्वाहिशात, यू नो, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वांट्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन नीड्स। तो अगर आपकी बेयर मिनिमम नीड्स पूरी हो रही हैं, आपकी सेहत है, तो हम कहते हैं जान है जहान है। तो सेम टाइम आई थिंक गिव टाइम टू योर फैमिली। मैं प्रायोरिटाइज इस तरह से करता हूँ कि मैं घर जाके कोशिश करता हूँ कि डिस्कनेक्ट करूँ, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल से लगा कि हम फ़ोन को छोड़ नहीं सकते, कमिटमेंट से किए हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम मैं अपनी फैमिली को देने की कोशिश करता हूँ। और जो बाकी टाइम होता है ओकेजन पर अपने दोस्तों के साथ मिलना, गेट टुगेदर, बिकॉज एक तरह की थेरेपी होती है जब आप दोस्तों के साथ बैठ के उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, गपशप करते हैं, तो वो आपके लिए एक तरह की थेरेपी है। तो इसलिए यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट मेक टाइम फॉर योरसेल्फ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो फैमिली टाइम हो, ये आपके ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। या सर हमारे पास है ना झटपट एक सेगमेंट है, ठीक है, तो आपने झटपट ही उसका आंसर भी देना है, ठीक है? तो मुझे बताइए, दोस्ती, किसी के साथ बहुत क्लोज अटैचमेंट, खुशी, सुकून मिले जिससे आपको, मोहब्बत, जिससे जिंदगी जीने का कोई मकसद मिले आपको, जीने का मकसद, जिंदगी एक मकसद के साथ जिए जिसका कोई पर्पस हो। वेरी क्विक और वेरी ग्रेट आंसर। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि हमारी जो यूथ है, आप माशाल्लाह से इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अच्छा सा कोई मैसेज उनको दे जो हमारी यूथ के लिए, जो उनकी सक्सेस को आगे बढ़ाने में उनको जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ पावर उनको मिले आपके मैसेज से। मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए कि जो आपका अभी करियर पाथ है उसको बहुत वाइजली पिक करें और करियर काउंसलिंग के साथ पिक करें। आप इंडस्ट्री में लोगों से मिलें, अपने टीचर से रहनमाई लें, ये ना करें कि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं, आप ये इसलिए करें क्योंकि आप खुद पैशनेट हैं। जिस फील्ड में आपका पैशन है, जुनून है, जज्बा है, और आप समझें कि आपकी ख्वाहिशात भी हैं, शौक है, उसको परस्यू करें, उसी में आप सक्सेसफुल होंगे। इनोवेशन, सॉरी इंटरप्ट, हमारे यहाँ फैमिलीज और माशरे का जो वो एक प्रेशर होता है कि जी ये आपने करना है, वो करते करते उम्र भी गुजर जाती है, वो होता भी नहीं है, क्योंकि हमारा शौक ही हमारा कहीं और डाइवर्ट। इस तरह नहीं होना चाहिए, हर इंसान का एक अपना टैलेंट है, उस टैलेंट को परस्यू करें, क्योंकि सक्सेस उसी में आएगी जिसमें आपकी काबिलियत है। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका ना तो शौक है, वो फिर डेली आप कॉम्प्रोमाइज करें अपनी जिंदगी में, और कॉम्प्रोमाइज इज वर्स्ट थिंग यू कैन डू, एंड द सैडेस्ट थिंग इन लाइफ इज वेस्टेड टैलेंट। आप अपने टैलेंट ज़ाया करेंगे, तो उस फील्ड को परस्यू करें। सेकेंडली, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग, अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस एम्फसाइज नहीं कर सकता कि यू मस्ट हैव पेरेंट्स कंसेंट कोई भी चीज़ हो आपकी, चाहे वो शादी हो या कोई और आपकी ख्वाहिशात हो, उसमें वालदैन की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। उनकी ब्लेसिंग होगी तो उसमें आपकी कामयाबी होगी, उसमें आपको वैसी बरकत मिलेगी। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बींग लॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो हमारे आजकल के यूथ है, मैं देखता हूँ कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो आजकल हर साल या 6 महीने बाद नई जगह पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि सैलरी उनको इंसेंटिव मिलता है। कोई भी अगला इंसान आपको जब हायर करता है, वो सबसे पहले आपकी एफिलिएशन देखता है कि आपने प्रीवियस कंपनी को कितनी कमिटमेंट दी है, साल या 2 साल या 3 साल। तो जितनी ज़्यादा कमिटमेंट देंगे इतनी आपकी इंपॉर्टेंस होगी। लॉन्जेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लॉन्ग टर्म सोचें एंड पाकिस्तान को आप टाइम दें, प्रायोरिटी दें। लेकिन बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप बाहर जाके बेहतर तालीम ले सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं, लेके वापस पाकिस्तान ही आएँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि उस एक्सपोजर में पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान को वापस कुछ देना है, साथ साथ जो इज्जत आपको पाकिस्तान में मिलेगी वो बाहर नहीं मिल सकती। चाहे आपके पास बाहर का पासपोर्ट भी होगा, फिर भी आपको इज्जत पाकिस्तान में मिलनी है।
खुशी का मैं अभी यहाँ पे, हम यहीं पे पैदा हुए थे, दफन भी हम यहीं पे होंगे, एंड जो आपकी एफिलिएशंस हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान को आपने लेके आगे जाना है। जितनी कौमें बनी हैं, चाहे अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, वो कौमें जो बनी है वो आवाम ने बनाया है, वो हुकूमतें पॉलिसी देती हैं, डेवलप आपने करना है इस मुल्क को, या आपका मुल्क है, इसकी पहचान आप लोग हैं। दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। अब सेंटोरस के बाद अपकमिंग कितने टाइम में हम जल्दी से किसी अच्छे से मॉल में जाएंगे, बताइए जल्दी। इंशाल्लाह सेंटोरस मॉल भी अपग्रेड हो रहा है, साथ साथ हम एक नया टावर भी बना रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर, एक प्रॉपर 5-स्टार होटल भी इंशाल्लाह आ रहा है इस्लामाबाद में, और साथ ही हमने एक और कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ताज रेजिडेंशिया के नाम से, एक अर्बन प्लान कम्युनिटी है जिसमें कई लाख लोग आबाद होंगे। अभी वहाँ पे एक 4 हाई राइज प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, G+14 टावर्स आ रही हैं, उसमें से एक हमारा अपना टावर भी होगा बाय द नेम ऑफ द बुलवार टावर, और उसमें सारी अमेनिटीज़ होंगी जैसे सेंटोरस में थी, आपके पास इन हाउस रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ होंगी, हेल्थ क्लब होगा, स्पा, एंड साथ ही वहाँ पे हमने सेंटोरस मॉल 2 भी प्लान किया हुआ है। अभी ऑलमोस्ट 200 से ज़ायद घर वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। एक ऐसी एरिया है जो विद इन इस्लामाबाद ही है, I-14 I-15 सेक्टर के बिल्कुल एडजेसेंट है, RDA की डेवलपमेंट, और RDA अप्रूव्ड विद NOC हम डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि आके देखें वहाँ पे कि कैसे हमने इस्लामाबाद में आपको एक नई डेस्टिनेशन दी है, एक नया लाइफस्टाइल आपको ऑफर कर रहे हैं। 1 कनाल 2 कनाल 10 मरला 14 मरला हर तरह के सेगमेंट वहाँ पे मौजूद है, और जो अपार्टमेंट्स होंगे वो अफोर्डेबल होंगे। आज की जो इन्फ्लेशन है आप देखेंगे, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है इस्लामाबाद में, तो प्राइसेस बिल्कुल स्काई रॉकेट कर चुकी हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी प्राइस पे, एक रीजनेबल प्राइस पे, बहुत अच्छा एक आपको लाइफस्टाइल भी मिलेगा, साथ साथ स्पेस भी मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आज अगर आपको एक 2-बेडरूम अपार्टमेंट 1500 से 1700 स्क्वायर फुट का मिलता है तो बहुत एम्पल स्पेस है। आप UK में जाएंगे तो 2-बेडरूम आपको शायद 1000 स्क्वायर फुट से भी कम हो। तो हम पाकिस्तान में एक लग्जरी लिविंग का कॉन्सेप्ट जो लाते हैं, हमेशा इस बुनियाद पर लाते हैं कि लोकल डायनेमिक्स के हिसाब से वो डिज़ाइन की जाएँ चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताज इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट व्हिच इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू टू द एंटायर कंट्री इंशाल्लाह। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू यासिर, आज आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमारे लिए निकाला, एंड नेक्स्ट फिर किसी अच्छे सी और किसी मज़ेदार आपकी किसी ओपनिंग में हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, जो आप अपकमिंग में इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।